Today here we now present local history about Unnav. A city of UP. History of Unnav began in 12th century AD. Mughals strategically appointed Hindu officers to rule. This is found to be a very important point in Mughal history. History is a subject which should always be preserved. But we have let our history ruined like as Badarka ka Safed Mahal. 12वीं शताब्दी में चौहान राजपूत गोदो सिंह ने सवाई गोदो नामक एक शहर की स्थापना की। बाद में कन्नौज के शासकों ने इस शहर पर नियंत्रण कर लिया और खांडे सिंह को राज्यपाल नियुक्त किया। राज्यपाल के लेफ्टिनेंट उन्वाद सिंह ने खांडे सिंह को मार डाला और एक शहर बसाया, नाम था उन्नाव। आज उन्नाव को कलम और तलवार की धरती के रूप में जाना जाता है। ये कई प्रसिद्ध क्रांतिकारियों से जुड़ा शहर है, जिनमें राव राम बख्श सिंह, मौलाना हसरत मोहानी, विशंभर दयाल त्रिपाठी और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं। उन्नाव जिले में एक गांव है बदरका, जहां से अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की अमित यादें जुड़ी हुई है। ये देश का पहला शहीद स्मारक है, जिसका उद्घाटन 1958 में मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया था। बगल में चंद्रशेखर आजाद का ननिहाल है, जहां से उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रहती थी। बगल में ही 500 साल पुराना एक किला है। इसकी स्थापना 1643 ई में शाहजहां के दरबार के एक अधिकारी राजा हरबंस राय ने की थी। किला अब खंडित हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद की गतिविधियां यहां पर जारी रहती थी। जब कभी अंग्रेजों की छापे मारी होती, वे बगल के किले में छिप जाया करते। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रिटिश अधिकारियों ने किले पर हमला किया था, तो इस वे सुरंग के कारण बच निकलते। कहा जाता है सुरंग जाजमऊ तक जाती थी। 1857 के विद्रोह में किले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। कहते हैं शाहजहां ने रहस्यमयी किले के भूमिगत तहखानों में भारी मात्रा में खजाना ले रखवाया था। खजाना पाने के लिए अंग्रेजों ने महल को काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने इसे ध्वस्त करने की कोशिश की थी। अभी भी तोप के गोले देखे जा सकते हैं। अंग्रेज काफी धन लूटने में कामयाब रहे। इसे हरिवंश राय का किला भी कहा जाता है। विशाल किला 7 मंजिलों का है, 4 जमीन के ऊपर और 3 नीचे, और यह 4 हेक्टेयर क्षेत्र में बना है। अंग्रेजों ने किले को बदरका का सफेद महल नाम दिया था। राजा हरिवंश राय ने बदरका गांव में ही एक मार्कंडेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में पैलेस में बदल दिया गया। ये खूबसूरत मंदिर देखते ही बनता है। मंदिर में एक गुफा भी है, जो महल में व जाजमऊ में जाकर खुलती थी। इस गुफा से राजा हरबख्श राय रोज दर्शन करने आते थे। यहाँ एक बात स्पष्ट लगती है कि मुगल सम्राटों के यहाँ वजीर, सेनापति व अन्य पदाधिकारी हिंदू होते थे। ग्रामीण इलाकों में शोषण का कारक यही हिंदू हुआ करते थे। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में हिंदू राजाओं पर कम तवज्जो दी गई है। अगर पोस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट भी करें।